हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि आपके सभी नर्सिंग एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई। इस पिक्चर को देखना है और आइडेंटिफाई करना है। ये होता है कॉम्बी ट्यूब। क्या होता है कॉम्बी ट्यूब? द कॉम्बी ट्यूब आल्सो नोन एज द इसोफेजियल ट्रेकियल एयरवे और इसोफेजियल ट्रेकियल डबल लुमेन एयरवे इज ए ब्लाइंड इरसेंसर एयरवे डिवाइस यूज्ड इन द प्री हॉस्पिटल और इमरजेंसी सेटिंग्स। प्री हॉस्पिटल या इमरजेंसी सेटिंग्स में यूज किया जाने वाला इसोफेजियल ट्रेकियल एयरवे होता है कॉम्बी ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो थोरेसिक लेटरल कर्वेक्चर है इसको क्या कहेंगे। तो ये जो लेटरल कर्वेक्चर है ये स्कोलियोसिस कहलाता है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट जाता है। उसके बाद में जो यहाँ पे दिया गया है स्पाइन का थोरेसिक कर्वेचर दिया गया है पीछे की तरफ निकला हुआ, इसको आइडेंटिफाई करना है। ये कहलाता है काइफोसिस, ये याद रख लेना है, ये काइफोसिस कहलाएगा। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे दिया गया है लंबर का जो आगे की तरफ कर्वेचर हो गया है लंबर रीजन के स्पाइन का, उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लार्डोसिस। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जाता है। इसके बाद में यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया है, लुक एट द पिक्चर आइडेंटिफाई द फीटल प्रेजेंटेशन। तो कौन सा प्रेजेंटेशन इसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जब हेड नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे है लुक एट द पिक्चर एड आइडेंटिफाई द फीटल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ब्रीच प्रेजेंटेशन, जो बटक्स है वो नीचे की तरफ प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेल्विक ग्रिप पूछी गई है, कौन सी पेल्विक ग्रिप है? ये जो पेल्विक ग्रिप ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही है ये फंडल पेल्विक ग्रिप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें भी फिर से पेल्विक ग्रिप पूछी गई है, तो इसमें साइड में आपको पेल्विक ग्रिप दिखाई दे रही है, तो ये होती है लेटरल पेल्विक ग्रिप। उसके बाद का जो क्वेश्चन आया है ये आया गया है नीचे से आपको पेल्विक ग्रिप दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? पोलिक पेल्विक ग्रिप होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है वो आ गया है आपका नीचे पेल्विक रीजन से, तो इस ग्रिप का नाम हो जाता है पेल्विक ग्रिप, फोर्थ मैन्यूवर पेल्विक ग्रिप इसको कहा जाता है। इसके आगे जो क्वेश्चन आता है ये एक पोजिशन दी गई है, अबनॉर्मल पोस्चर है, इसको आपको पहचानना है, तो ये फ्लेसिड पोस्चर यहाँ पे अबनॉर्मल पोर्शन है वो दिखाई दे रहा है। आगे जो क्वेश्चन आता है इसमें भी लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द पोजीशन, तो ये डी सेरेब्रेट पोजीशन यहाँ पे दी गई है। हैंड की पोजीशन आपको देख लेनी है, हैंड है वो बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो ये पोजीशन का नाम हो जाता है डी सेरेब्रेट पोजीशन। और इसमें जो पोजीशन में हैंड है वो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, इस पोजीशन को आप कहोगे डी कोर्टिकेट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें इस पिक्चर में देखना है और कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है वो देख लेना है, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। तो ये किया जा रहा है इंडोट्रेकियल इंटूबेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन देने के लिए जब वेंटिलेटर लगाते हैं तो ट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब, इसी प्रोसीजर का ये चित्र दिया गया है, इसको इंडोट्रेकियल इंटूबेशन है वो कहा जाता है। इसके बाद में ये दिया गया है ये कौन सी अबनॉर्मलिटी बच्चे में पाई गई है, एनसीफेली। यहाँ पे जो हेड है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो इसको एनसीफेली कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गया है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है, क्या है ये? लैरिंजोस्कोप होता है जो कि इंडोट्रेकियल इंटुबेशन करने के दौरान अपने को ट्रेकिया को देखने के लिए काम में आता है, या फिर कई कई बार माउथ का या ट्रेकिया का सक्शन करने में भी ये है वो काम आता है, लैरिंजोस्कोप ये कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और देखें लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, ये फिस्टूला दिया गया है, कौन सा फिस्टूला है? ये है ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टूला, ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टूला है, ये ट्रेकिया है और इसोफिजिस के अंदर यहाँ पे फिस्टूला बन गया है, तो ये ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टूला हो गया है। दूसरा जो क्वेश्चन आया गया है इसमें दिया गया है कि इसमें लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें किसी टाइप का फिस्टूला नहीं है, तो ये एक नॉर्मल एनाटोमी यहाँ पे है, ट्रेकिया अपनी तरफ जा रहा है अपनी जगह पे है और इसोफेगस अपनी तरह स्टोमक में जा रही है, तो नॉर्मल एनाटोमी है, किसी टाइप की कोई भी अबनॉर्मलिटी यहाँ पे नहीं है।
उसके बाद में पूछा गया इसमें किस टाइप का फिस्टूला है, तो यहाँ पे जो फिस्टूला है इसमें यहाँ पे अट्रेशिया बन रहा है और प्रोक्सीमल फिस्टूला हो रहा है, जो अट्रेशिया बन रहा है उसी का फिस्टूला हो रहा है, तो अट्रेशिया विद प्रोक्सीमल फिस्टूला ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे अट्रेशिया बन रहा है और फिस्टूला है वो डबल फिस्टूला बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो दिया आ रहा है सी में अट्रेशिया विद डबल फिस्टूला का ये यहाँ पे चित्र है वो पिक्चर है वो दिया गया है, ऑप्शन सी राइट जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है इसमें अट्रेशिया बन गया है और जो फिस्टूला है ये डिस्टल पार्ट का यहाँ पे बना है, तो अट्रेशिया हो गया है और अट्रेशिया विद डिस्टल फिस्टूला ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइन आपको पहचानना है, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द साइन, किसका साइन है ये ए ई डी आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन का साइन होता है, जो ए ई डी का बॉक्स होता है उसके ऊपर ये बनाया हुआ होता है, आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का साइन होता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है क्या है ये, थ्री लुमेंस दिए गए हैं तो ये सेंट्रल वीनस कैथेटर है, सेंट्रल लाइन जब लगाते हैं जुगलर वेन वगैरह में या फीमोरल में तो उसमें ये काम में आता है, सेंट्रल वीनस कैथेटर है। कई बार आईसीयू सेटिंग्स या क्रिटिकल पेशेंट्स या वो पेशेंट्स जिनमें वेन नहीं मिलती है ब्रन आदि पेशेंट्स में ये है वो सेंट्रल वीनस कैथेटर है वो यूज किया जाता है। उसके बाद में दे लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, इसमें पहचानना है क्या है, तो यह है डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर, ये स्किन पे टेप करके और उससे टेम्परेचर लिया जाता है और उसको फेंक दिया जाता है, डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर का चित्र है वो दिया गया है। अब ये लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई ये क्या है, एपिजियोटोमी सीजर यहाँ पे दी गई है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जाता है। आगे दिया गया है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, तो ये क्या है लेरिंजियल मास्क का पिक्चर है वो यहाँ पे दी गई है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जाता है। इसमें किस टाइप की जो एपिजियोटोमी है वो अपने को दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपको मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी है वो दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, तो इसमें मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी का चित्र है वो आपको दिखाई दे रहा है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई तो क्या है ये यहाँ पे दिया गया है राइस ट्यूब का चित्र, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जाता है, और ये ईसीजी की पिक दी गई है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द रिदम, तो यहाँ पे आपको साइनस टेकिकार्डिया का जो साइन है वो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जाता है, ध्यान से देख लेना साइनस टेकिकार्डिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि जो वेव है वो काफ़ी ऊपर नीचे सिमिलर स्टेज में चल रही है, तो साइनस टेकिकार्डिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। आगे यहाँ पे दिया गया लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है क्या है ये, स्पंज होल्डिंग फोरसेप्स यहाँ पे दी गई है, स्पंज को पकड़ने के लिए स्पंज होल्डिंग फोरसेप्स यहाँ पे दी गई है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई ये क्या है, टिम्फेनिक थर्मामीटर है, अगर टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से अपने को टेम्परेचर लेना हो तो ये थर्मामीटर है वो यूज किया जाता है, टिम्फेनिक थर्मामीटर का पिक है ये क्या है, ये है फोटोथेरेपी का चित्र, इससे फोटोथेरेपी है वो दी जाती है, यहाँ पे बच्चे को लेटा दिया जाता है बीच में बेड लगाकर या कोई चीज़ लगाकर और ये फोटोथेरेपी की लाइटिंग यहाँ से डलती है, ये फोटोथेरेपी का पिक यहाँ पे दिया गया है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई इक्विपमेंट प्लेस ओवर फेस, फेस के बाहर जो लगा हुआ है ओवर फेस के ओवर वो क्या है, ये होता है ऑक्सीजन हुड, जो कई कंडीशंस में ह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए चाइल्ड्स में दी जाती है, ऑक्सीजन हुड से ऑक्सीजन दी जाती है, तो इसको पिक को ऑक्सीजन हुड है वो कहा जाएगा। नेक्स्ट क्या है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, ये क्या दिया गया है नियोनेटल जॉइंडिस मीटर यहाँ पे दिया गया है, नियोनेटल जॉइंडिस मीटर का जो पिक है वो यहाँ पे दी गई है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई ये क्या दिया गया है, रेडिएंट वार्मर की पिक यहाँ पे दी गई है, आपको पहचान लेना है रेडिएंट वार्मर जिसमें बच्चों को है वो रखा जाता है। एंड लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई ये क्या है, ये है फीटल हार्ट मॉनिटर, फीटल हार्ट मॉनिटर फीटस की जो हार्ट रेट है उसको मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है, फीटल हार्ट मॉनिटर। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, इसको आइडेंटिफाई करना है क्या है, नॉन रीब्रीथर मास्क है, ज़्यादा कंसेंट्रेशन में ऑक्सीजन देने के लिए, ऑक्सीजन सेचुरेशन देने के लिए इस मास्क का यूज किया जाता है, नॉन रीब्रीथर मास्क, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई ब्रेन सर्किट का पिक है वो यहाँ पे दिया गया है।
लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, ये क्या पिक्चर है, ये गुडल्स एरिया की पिक्चर यहाँ पे दी गई है। जब हमें इंडोट्रेकियल इंटुबेशन किया जाता है तो माउथ में ये गुडल्स एरिया है ये डाला जाता है ताकि ट्यूब को है वो पेशेंट अपने टीथ से बाइट नहीं कर सके। गुडल्स एरिया का पिक यहाँ पे दिया गया है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, ये क्या दिया गया है, स्किन स्टेपलर है। जो स्टेपलर सूचर लगाए जाते हैं वो इसी से लगाए जाते हैं, स्किन स्टेपलर से। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, रोज यूज करते हैं इसको, जिटिल फोर्सेप्स है वो कहा जाता है। अगला है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, तो ये क्या है, कॉपर टी का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, कॉपर टी की पिक है वो यहाँ पे दी गई है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, ये क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कुस्कोज बाई वोल्वेड स्पेकुलम, कुस्कोज बाई वोल्व स्पेकुलम का जो पिक है वो यहाँ पे दी गई है, याद रख लेना है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, टिप डिटेल भी यहाँ पे दी गई है, इस टाइप की जो टिप डिटेल है, तो ये क्या है, ये है मेयो हेगर नीडल होल्डर, मेयो हेगर नीडल होल्डर की पिक है वो यहाँ पे दी गई है। मेयो हेगर नीडल को होल्ड करने के लिए ये यूज में किया जाता है। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, क्या दिया गया है, ये दी गई है कोचर्स फोर्सेप्स, कोचर फोर्सेप्स यहाँ पे आपको दी गई है। आपके इसके जो आगे का फोर्सेप्स है, टिथ है, टूथ है, उनको पहचान के देख लेना है, ये कोचर्स फोर्सेप्स यहाँ पे दी गई है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, क्या है, बेब कुक्स फोर्सेप्स है, बेब कुक्स फोर्सेप्स है, उसका पिक यहाँ पे दी गई है। आप पीछे से सारी चीज़ें लगभग सेम होती हैं लेकिन आगे का जो पार्ट होता है उसको पहचान लेना है। लुक एट द पिक्चर आइडेंटिफाई, बेब कुक्स फोर्सेप्स यहाँ पे दी गई है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, तो ये क्या है, एलिज फोर्सेप्स है वो यहाँ पे दी गई है। इस टाइप का टूथ यहाँ पे इसके होता है एलिज, एलिज टिश्यू फोर्सेप्स, तो टिश्यूज है उसको पकड़ने के काम में आती है एलिज टिश्यू फोर्सेप्स। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, तो ये है डेयोन रिट्रैक्टर, डेयोन रिट्रैक्टर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, तो ये है अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप, अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैंप करने में काम आता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जाता है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, तो ये क्या दिया गया है, यहाँ पे सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है वो दिया गया है। ऑप्शन बी है वो राइट जाता है, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, यहाँ पे ये एक बार रिट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पे लॉक हो जाता है, इसलिए ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया ये पिक, इसको पहचानना है, इमरजेंसी रूम में ये यूज होता है। तो क्या है, डिफिब्रिलेटर है, शोक देने के लिए कार्डियक अरेस्ट में, और जब सीपीआर किया जाता है तो उस टाइम ये यूज किया जाता है, डिफिब्रिलेटर का पिक है वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट जो चित्र है, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई, ये क्या दिया गया है, नेजोफेरिंजियल एयरवे की पिक है वो यहाँ पे दी गई है। नेजोफेरिंजियल एयरवे अलग अलग साइज के आते हैं, उनकी पिक यहाँ पे दी गई है। और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सूचरिंग, किस टाइप के सूचर, ये वर्टिकल मेट्रेस टाइप के सूचर यहाँ पे दिए गए हैं। जिस तरह से मेट्रेस में लगाए जाते हैं वर्टिकल सूचर, उस टाइप से यहाँ पे वर्टिकल सूचर का पिक है वो दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चंस लेके जल्द ही हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, तथा नए वीडियो के लिए वेट करें। जल्द ही हाजिर होता हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू वेट।